सारी वीडियोस मैंने देखी, एक बार नहीं दो बार नहीं, बार बार लगातार मेरे पेज पे यही मेरे को शो हो रहा था, चाहे मैं इंस्टाग्राम देखूँ, चाहे मैं यूट्यूब रील्स, हर जगह ये इतना ज़्यादा वायरल हो रखा है, ओ माई गॉड। और देख करके लगता है वाह कितना आसान है, सिर्फ एक आपको ये मास्क लगाना है एंड आपके स्किन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स। तो अब ये मास्क क्लेम करता है कि अगर आपके पिंपल, एक्ने, गड्ढे, चेचक की निशानियां, कुछ भी हो, स्किन कितनी भी बद से बदतर कंडीशन में हो, उसको वो कुछ ही चुटकियों में सॉल्व कर देता है। मतलब इसके आगे सारे कॉस्मेटिक सर्जन फेल हैं अगर ये वाला हैक सच में हैक नहीं है, प्रोडक्ट सच में काम करता है। तो मैंने देखा, मोटिवेट हुई और मैंने मंगाया। सो यहाँ पे मैंने मंगवाया है सैसिलिक एसिड मास्क, जो कि है आइसक्रीम मास्क। एंड अगर आपको याद होगा, मैंने ग्रीन मास्क का भी रिव्यू किया था, मैंने लगा के दिखाया था कि ये कितना इफेक्टिव है नहीं है, तो इसका लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगी। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई थी, आई होप ये भी आपको पसंद आए, क्योंकि ये भी उसी के जैसा बहुत बेहतरीन है ऐसा क्लेम किया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो सोचा क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करूं। गाइस मुझे नहीं पता इसका इंग्रेडिएंट क्या है, क्योंकि यार सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, बस इसका नाम लिखा हुआ है, इसके अलावा इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है यार सच में, जो मैं अपने चेहरे पे लगाने वाली हूँ। बट मैं ये करने वाली क्यों? बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते थे आप इतना रिस्क लेते ही क्यों। गाइस ये रिस्क मैं लेती हूँ, दीदी नहीं लेती है, जीजू लेते हैं रिस्क, पर अभी तो मैं लगाने वाली हूँ, आप आके लगाओगे? तो गाइस ये रिस्क मैं इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोगों का पैसा वेस्ट ना हो, आप ये खरीदो लगाओ और फर्क कुछ पड़े ना, तो अगर आप ये लगाओ आपकी स्किन खराब बर्बाद हो जाए, तो जो होना है मेरे साथ ही क्यों ना हो जाए। और हाँ, इस तरह की वीडियोस आपको पसंद भी तो आती है और मुझे मजा आता है इस तरह की वीडियोस बनाने में। सो आई एम गोइंग टू टेस्ट वन मोर वियर्ड प्रोडक्ट, अगर आप देखोगे वीडियो के एंड तक तो आपके पैसे बच जाएंगे अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो। तो मैं हूँ रेखा, आप देख रहे हो बी नेचुरल, रेखा बी नेचुरल इंस्टा आईडी है मेरी, वहाँ फॉलो करना। मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा ब्लॉग चैनल है, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, सबसे पहले इसको आपको अपने फेस पे लगाना है और कितनी देर रखना है, कैसे रखना है, कोई डायरेक्शन इसके ऊपर मेंशन की हुई नहीं है। तो मैं काम करती हूँ, जो इससे रिलेटेड वीडियोस हैं मैं उसको फॉलो करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि ये कितना इफेक्टिव है। A few moments later. चाहती तो थी मैं प्रिंस पे ट्राई करूँ पर वो नहीं मान रहा, तो मेरे को अपने ही स्किन के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। आई डोंट नो इसके बाद मेरी स्किन पे एक्ने पिंपल्स हो सकते हैं, लास्ट ये ग्रीन मास्क लगाया था तो स्किन की हालत बुरी हो गई थी, अगले ही सुबह पिंपल बड़ा सा निकल आया था। सो थूक लगा के ठीक कर लिया मैंने, वो ये हैक है, थूक लगाने से पिंपल ठीक हो जाता है। सो तभी तुमने मेरा थूक लगाया था, तुम्हारे लिए अपना लगाया था, एक चम्मच सूख तो मैंने थूक दिया था चम्मच पर, तभी लगाया, कहाँ है तो गाइस अपने मुंह पे अपना थूक लगाना होता है पति का नहीं। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ, एकदम एलोवेरा जेल जैसा लग रहा है, ये देखो खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस है, पता नहीं क्या इसके अंदर डाला हुआ होगा, मेरा तो चेहरा गया काम से यहाँ से। व्लॉग में आपको बताऊंगी कि क्या हुआ ये लगाने के बाद, अगले दिन स्किन में बैंड बजी है क्या हुआ। लास्ट टाइम जब मैंने ग्रीन मास्क लगाया था तो मेरी स्किन थोड़ी सी जल रही थी, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था, फिलहाल मैंने इसको लगाया है और बस ये ठंडा ठंडा लग रहा है, आइसक्रीम जैसा फील हो रहा है कि आइसक्रीम लगा ली हो, ठंडा ठंडा है। ऑल्दो मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था फिर भी मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है। गाइस ये वर्क करे ना करे उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया में, संसार में, सुन लो ध्यान से, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंस्टेंटली आपके स्किन के गड्ढों को भर दे, पिंपल्स के दाग को इंस्टेंटली हटा ले। थोड़ा बहुत टैनिंग को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो स्किन बहुत ज्यादा डार्क है उसको एकदम से लाइट नहीं किया जा सकता है। अगेन प्रिंसेस आवाज लगा रही है, वो आपसे मिलना चाहती है, चलो मैं प्रिंसेस से मिलवाती हूँ आपको, आ जाओ प्रिंसेस कम। तो गाइस ये है मेरी प्रिंसेस जो कि मुझे शूट नहीं करने दे रही हर बार की तरह, इसके पापा इसके साथ बैठे हैं कि खेल ले, पर पापा के साथ भी नहीं खेल रही, इसको मम्मा के पास आना है, ये चाहती है कि बीबी नेचुरल की वीडियो में आपको बताए कि गाइस ऐसी फालतू की वीडियोस मत देखा करो जहाँ पे आपको बोले कि आपके स्किन के गड्ढे ठीक कर सकते हैं इस वाहियात प्रोडक्ट के साथ। अभी नेचुरल की वीडियो देखा करो, मेरी मम्मा की वीडियो देखा करो, है ना प्रिंसेस, है ना प्रिंसेस, मैं मम्मा की बेटी हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना बाबू, चलो आ जाओ नीचे आ जाओ। गाइस अगर आप मेरी प्रिंसेस से मिलना चाहते हैं तो आ सकते हैं आप मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस चैनल पे, इसका इंस्टा और इसका यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस की प्रिंसेस नाम से बना दिया है। इसको थोड़ी देर लगा के रखती हूँ और फिर मैं प्रिंसेस के साथ ढेर सारा खेल करके आपसे मिलती हूँ 15-20 मिनट बाद, बाय।
सो गाइस, इसको लगाए हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और जैसा कि वीडियोस में दिखाते हैं कि इस मास्क को लगाने के बाद 20 मिनट बाद अगर आप देखोगे तो आपकी स्किन के ऊपर इस तरीके से ब्लैक हेड्स और स्किन के अंदर से जितने भी इंप्योरिटीज होती है वो बाहर निकल करके आ जाती है। तो इसी तरीके से वो बाहर आ जाती है, देखने में एज इट इज सेम लगता है। और आप जानना चाहते हो कि मैंने लगाया तो ये कैसे आया, ये चाय पत्ती से आया क्योंकि इसको लगाने के बाद कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। जैसा कि मैं उम्मीद कर रही थी कि ये भी नाम का है, काम का नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपके गड्ढे को भर दे, अचानक से ब्लैक हेड इतना निकाल करके ले आए, इंस्टेंटली स्किन को बहुत गोरा कर दे, सफाचट कर दे, ऐसा कुछ नहीं। ना कोई ऐसी DIY है, ना ऐसे कोई क्रीम है, ना कोई ऐसा लोशन है। हाँ, ऐसी सर्जरीज जरूर हो सकती है, प्लास्टिक सर्जरी वो नहीं कराना चाहती मैं आई एम श्योर आप लोग भी नहीं कराना चाहोगे, बहुत एक्सपेंसिव होता है। और यार जो होल है बी नेचुरल, क्या जरूरत है इन सब चीजों की। सो गाइस, आई डोंट लाइक दिस, बिल्कुल भी नहीं, कुछ निकला नहीं। अब देखते हैं कि इसको वाइप करने के बाद स्किन में कितना निखार, कितना ग्लो या कैसे स्किन की हालत होती है। तो लेट मी वाइप दिस। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मार्केट में जितना भी फेयरनेस रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती है ना, प्लीज़ यार ब्लाइंड ट्रस्ट मत क्या करो, चाहे वो फेयरनेस की कोई ड्रिंक हो, फेयरनेस की कोई मेडिसिन हो, या फेयरनेस का कुछ भी हो, प्लीज़ डोंट बिलीव दैट। टैनिंग थोड़ी बहुत दूर की जा सकती है, मैं हमेशा बोलूँगी स्किन के ऊपर जब भी मैल की परत निकाली जा सकती है, स्किन में थोड़ा सा ग्लो लाया जा सकता है, निखार चमक लाया जा सकता है। बट अंग्रेजी जैसा गोरा दूध जैसी सफ़ेद चमकती स्किन टाइटल्स में ही अच्छे लगते हैं, वीडियोज़ में अगर कोई आपको क्लेम करे कि ऐसा होता है वो सफ़ेद झूठ है। ऐसे झूठ को पकड़ लिया करो और अंधविश्वास ना किया करो ऐसे हैक्स ना मेडीज पे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू वाइप दिस नाउ, लेट्स सी। सो गाइस, वाइप करने के बाद मेरी स्किन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है, हल्की सी सॉफ्ट लग रही है, बट स्किन कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसी स्किन मेरी पहले थी वैसी स्किन मेरी अभी भी है। सो अच्छा लग रहा है, सूदिंग लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको ये सोच के परचेज करना चाहते हो कि आपके एक्ने पिंपल ब्लैक हेड्स को दूर कर देगा इंस्टेंटली, नेवर, धीरे धीरे भी नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यार, इसके ऊपर तो इंग्रेडिएंट ही मेंशन नहीं है। अगर आपको चाइनीज आती है, किसी को चाइनीज आती है तो प्लीज बता दो इस पे क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं जो चीज मुझे समझ में आ नहीं रही है वो मैं अपने चेहरे पे कैसे लगा सकती हूँ, क्या पता इसमें क्या भरा। इस वीडियो के खत्म होते ही मैं फटाफट से अपना फेस वॉश करूंगी, मैं नहीं चाहती कि अगली सुबह फिर से मेरे फेस पे एक्ने पिंपल जैसी कोई प्रॉब्लम आए। तो गाइस, इस तरह के और भी वियर्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है जो आप देखते हो और सोचते हो क्या हम खरीदे क्या हम ले, मत लो, पहले आप मुझे बताओ, मुझे रेकमेंड करो, मैं देखूंगी, परचेज करूंगी, लगाऊंगी, टेस्ट करूंगी अपनी स्किन के ऊपर और सारी प्रॉब्लम का समाधान करूंगी आपका, मतलब सारी मुश्किलें मैं अपनी स्किन पे लूंगी, फिर आपको वो रेकमेंड करूंगी अगर अच्छा हुआ तो, नहीं तो आपके पैसे बचा लूंगी। आप देख रहे थे बी नेचुरल, मैं थी रेखा, मैं हूँ रेखा एक्चुअली, रेखा बी नेचुरल, इंस्टा आईडी मेरी, वहां मुझे जल्दी से फॉलो कर लो। और मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस में ब्लॉग चल रहा है, मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस, कमेंट जरूर करके जाना, तभी आपका नाम मैं फ्लैश करूंगी वीडियो के एंड में। बाय।